नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरलिंकिंग के बारे में। इंटरलिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के अंदर, किस तरह से आप प्रॉपर वे से आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के सिंगल पोस्ट के अंदर इंटरलिंकिंग कर सकते हो, और जितने भी जो न्यू ब्लॉगर हैं वो इंटरलिंकिंग के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से इसका जो आर्टिकल या तो वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक नहीं होता, तो ये सभी के बारे में आज के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग के इंपोर्टेंस के बारे में कि इंटरलिंकिंग का इंपोर्टेंस क्या है एसईओ के अंदर या तो ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ वेबसाइट के, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इंटरलिंकिंग का इंपोर्टेंस क्या होता है। एक मेरा फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग करता है और वो बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैं काफ़ी टाइम से जो ब्लॉगिंग के अंदर वर्क कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवा कर वो कंटेंट डालता है, फिर भी इसका जो आर्टिकल है वो गूगल के अंदर रैंक नहीं होता या तो इसके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आता। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, लाइव सब कुछ देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रॉपर वे से आपके सिंगल पोस्ट के अंदर इंटरलिंकिंग करना है। तो आपके सामने एक पोस्ट ओपन है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए, पूरे आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की एक भी इंटरलिंक नहीं है। आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट वे से लिखा है, सब कुछ इसके अंदर जो इसका कंटेंट है वो भी जो प्योर और यूनिक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ठीक से देखोगे तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरलिंकिंग नहीं है। तो मैंने इसको बहुत ही बार बोला है कि भाई आप ट्राई कीजिए कि आपके खुद के आर्टिकल हैं वो एक आर्टिकल के अंदर आप इंटरलिंक कीजिए, इसका आपको बहुत ही सारा बेनिफिट मिलेगा। अब देखें, गूगल एल्गोरिथम के मुताबिक हम देखें, अगर आप अपने सिंगल पोस्ट के अंदर इंटरलिंकिंग करते हैं तो सबसे पहले जो इसका आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है लिंक जूसी का। इसके बाद का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो है बाउंस रेट का, कि आपका जो बाउंस रेट है वो रिड्यूस होता है, और इसके बाद आपका जो पोस्ट है इसका इंडेक्सिंग बहुत ही फास्ट होता है अगर आप अपने सिंगल पोस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंकिंग करते हो तो। इसके बाद मैं आपको एक और लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, आपको पता होगा कि हिंदी में help.com ये ब्लॉग है वो इंडिया के अंदर जो हिंदी ब्लॉग में बहुत ही सक्सेस ब्लॉग है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो मैंने कंप्लीट ब्लॉग को एनालाइज किया है तो मुझे पता चला कि ये ब्लॉग है वो परफेक्ट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक ये जो ब्लॉग के ओनर हैं वो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने ओपन है, अगर आप इसको देखोगे इस जो सिंगल पोस्ट को, यानी कि इसकी जो लेटेस्ट पोस्ट है इसके अंदर दूसरे पैराग्राफ से, यानी कि दो पैराग्राफ के अंदर तीन इंटरलिंकिंग करके रखें, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके सिंगल पोस्ट के अंदर जो अब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलिंकिंग करते हो तो इसका आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है। हम भी ट्राई करते हैं कि हमारे जो आर्टिकल के अंदर एक या दो इंटरलिंकिंग करें ताकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिले और जो हमारा आर्टिकल है वो आसानी से गूगल के अंदर रैंक हो जाए। हिंदी में help.com के ज़्यादातर आर्टिकल बहुत ही रैंक होते हैं और इसके अंदर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा आती है। इसका रीज़न यह है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलिंकिंग होता है। यही नहीं, देखिए नीचे आप जाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि एवरी पैराग्राफ के अंदर आपको एक ना एक इंटरलिंकिंग ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी जो न्यू ब्लॉगर है वो वहाँ पर गलती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलिंकिंग नहीं करते, या तो कुछ ऐसे भी ब्लॉगर हैं वो इंटरलिंकिंग ही नहीं करते, तो इसका आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार के सिंगल पोस्ट लिखते हैं तो आपको एवरी पोस्ट के अंदर एक या दो तीन जो इंटरलिंक करना चाहिए, या तो आपको जो किसी भी प्रकार का आइडिया नहीं आ रहा है कि आप पैराग्राफ के अंदर किस तरह से जो इस वर्ड को लेकर इंटरलिंक कर सकते हो, आपकी पोस्ट के लास्ट के अंदर अल्सो रीड दिस का नाम का एक सेक्शन बनाए और इसके अंदर आपके जो एंटायर आर्टिकल है इसमें से 5 आर्टिकल को आप वहां पर लिस्ट कर दीजिए तो भी आपका जो इंटरलिंक हो जाएगा। इसके बाद वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से आपको इंटरलिंक करना है, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल। आपको किसी भी आर्टिकल को यानी कि पोस्ट को एडिट मोड में ओपन करना है, इसके बाद जिस वर्ड को आप जो लिंक असाइन करना चाहते हो इसको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के लिंक पेस्ट नहीं करने हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जो आपको पता होगा कि आपके जितने भी जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर आपका कीवर्ड लिखना है। जैसे कि देखिए, डोमेन नेम के अंदर में जो एक मेरा आर्टिकल है डोमेन नेम रजिस्टर का, इसको लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लिखूँगा डोमेन,
इसके बाद स्पेस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जितने भी जो आर्टिकल है इसके अंदर मैंने डोमेन कीवर्ड यूज़ किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद इसको असाइन, तो ऑटोमेटिकली डोमेन नेम है इसको एक इंटरलिंक असाइन हो जाएगा। इसके बाद सिंपल इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से सिंपल वैसे आप वर्डप्रेस के अंदर आप इंटरलिंक कर सकते हो। इंटरलिंकिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन एवरी पोस्ट के अंदर इंटरलिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लॉगर है वो इसको मिस करते हैं या तो भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंटरलिंकिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए आपके आर्टिकल के अंदर हिंदी में help.com की तरह जो एवरी पोस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलिंक कीजिए, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।